हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको तुरपाई करना सिखाएंगे बिना सुई और बिना धागे के प्रेस से। दोस्तों हम आपको तुरपाई करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और दोस्तों ये जो हमारा रोल है ये क्या चीज़ है, इसका कैसे इस्तेमाल होगा, सारा कुछ हमने वीडियो में बता रखा है। छोटी सी वीडियो हो दोस्तों, अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों ये हमने सूट बनाकर तैयार कर लिया है, यानी कि साइड की फिटिंग हमने दोनों तरफ लगा ली है, निशान लगाकर साइड की फिटिंग हमने दोनों तरफ लगा ली है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको घेरे की तरफ निशान लगाना है, ठीक है। जितना भी आपको घेरा रखना हो उसी हिसाब से ही आपको निशान लगाना है घेरे में, लेकिन मैं हिप के हिसाब से ही घेरा रखूंगा इसका। तो हिप आपको नापनी है, हिप के हिसाब से ही आप नीचे निशान लगा लें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा निशान लगा सकते हैं घेरे में। इस तरीके से हिप के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया दोनों तरफ। अब आपको सीधी तरफ भी इस तरीके से निशान दोनों पल्ले में लगाना है, ठीक है। दोनों तरफ सीधी तरफ भी निशान इस तरीके से लगा लेंगे। और ये हमारी लंबाई का निशान है तो इसको भी दोस्तों एक्स्ट्रा करते हुए आपको निशान लगाना है सीधी तरफ, ठीक है। दोनों तरफ आपको एक जैसे ही लंबाई का और घेरे का निशान एकदम लगा लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको प्रेस गर्म करनी है। नॉर्मल जैसे हम प्रेस गर्म करते हैं उसी प्रकार दोस्तों प्रेस गर्म करनी है। और यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमारी सिलाई लगी हुई है हिप की साइड और नीचे दोस्तों हमारे ये निशान लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको इसमें प्रेस लगानी है, यानी कि चाक फोल्ड करने हैं। एक जैसी प्रेस लगाते हुए आपको चाक फोल्ड करने हैं और अंदर दोस्तों आपको मार्जिन आधा इंच का छोड़ना है, यानी कि जितनी भी आपको चाक की चौड़ाई दिखानी हो उसी हिसाब से ही फोल्ड करते हुए आपको चाक फोल्ड कर लेने हैं दोनों तरफ से एक जैसे, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन अंदर करते हुए आपको चाक फोल्ड करने हैं इस तरीके से दोस्तों, आपको फिनिशिंग से चाक फोल्ड करने हैं। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमने टैप दिखाया था शुरुआत में वो टैप लेना है। इसका नाम दोस्तों हमारा है रेविल सिविल, ठीक है। मार्केट में आप जाएंगे तो नॉर्मली ये मिल जाएगा, जहाँ मशीन का सामान मिलता है उस जगह पे दोस्तों आप बोलेंगे कि रेविल सिविल टेप दे दो तो आराम से ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे जो कोट बनता है जेंट्स कोट उसमें लगाने के काम आता है। अब इस तरीके से ओपन करेंगे इसे और यहाँ से दोस्तों क्या करना है, आपको जो हमारा मार्जिन फोल्ड हुआ है ना उस जगह पर इस तरीके से रखना है, जहाँ पर आपका मार्जिन फोल्ड हुआ है उसी के बराबर से ही आपको रखना है। अंदर की तरफ नहीं रखेंगे, एकदम मार्जिन के बराबर से ही आपको रखना है। और नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा टेप था उसको दोस्तों कटिंग करके इस पर प्रेस लगा देंगे, ठीक है। आपको जो टेप रखना है बिल्कुल जो हमारा मार्जिन फोल्ड हुआ है उसी के बराबर से ही रखना है इस तरीके से, ठीक है। ना आपके बाहर रहे ना ही आपका अंदर रहे, एकदम बराबर से ही आपको फोल्ड करते हुए इस पर प्रेस लगानी है। ऊपर से दोस्तों हल्का सा चाक से एक्स्ट्रा काट देंगे ऊपर की तरफ और इस पर पूरे में प्रेस लगा देंगे इस तरीके से। आपको फिनिशिंग से बैठाते हुए चाक की साइड में और इसमें प्रेस लगा देंगे टेप को अच्छे से बैठाते हुए, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें प्रेस लगा देंगे, सीधी तरफ भी दोस्तों इस तरीके से प्रेस लगा देंगे। ये टेप जो दोस्तों होता है वो हमारा कपड़े में चिपक जाता है अच्छे से, ठीक है। तो अंदर करते हुए आपको टेप को अच्छे से लगाना है। एक तरफ हमने लगा दी, अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ भी आपको लगाना है। इसी तरीके से नाप लेंगे दोस्तों कितना है हमारा, और इसी तरीके से दोस्तों आपको एकदम जो हमारा मार्जिन है चाक का उसी के बराबर से ही रखना है। नीचे एक्स्ट्रा ना रखें टेप, क्योंकि दोस्तों ये हमारा टेप प्रेस में चिपक जाएगा, इसलिए एकदम कपड़े के बराबर से करते हुए आपको फिनिशिंग से रखना है टेप और इस पर लगा देंगे प्रेस, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये दोस्तों धुलने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे हम इसमें टेप चिपका रहे हैं वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये दोस्तों कब काम आता है, जैसे हमारा कई बार अर्जेंट काम होता है, जैसे कई सारक चलती है या फिर होली दिवाली का काम होता है, तो अर्जेंट में जब काम होता है हमारा तुरपाई करने का टाइम नहीं होता, कई बार तुरपाई वाली छुट्टी कर लेती है, तो दोस्तों उस टाइम हमारा ये काम आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने चाक में लगा दिया है और इस तरीके से दोस्तों लंबाई के बराबर से ही आपको घेरा फोल्ड करना है प्रेस से और अंदर इस तरीके से मार्जिन करते हुए आपको प्रेस लगानी है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरीके से, अगर अर्जेंट सूट है आपका टाइम नहीं है तुरपाई करने का, इस तरीके से आप चाक फोल्ड करके दे देंगे टैप लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये टेप लेंगे दोस्तों इसी तरीके से बराबर से ही इसे खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से कोने की तरफ से इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, कपड़े के बराबर से ही, ऊपर वाले पल्ले के बराबर से ही, और यहाँ पर दोस्तों काट लेंगे, ठीक है। इसे ना थोड़ा सा जितना हमारा घेरा फोल्ड हो रहा है उसी हिसाब से ही उतना ही कोने पर इसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से और दोस्तों इसे प्रेस से चिपका देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको रखना, यानी कि उतना हम कटिंग कर लेंगे फिर दूसरी तरफ रखते हुए इस पे प्रेस लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये चिपक जाएगा। इस तरीके से करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पूरा घेरा हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहां से दोस्तों जितना भी आपका घेरे में आए उतना कटिंग कर लेंगे और टेप को कपड़े के बराबर से रखते हुए अच्छे से फिनिशिंग से आपको इसमें प्रेस लगानी है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आपका कई बार अर्जेंट सूट है, आपका तुरपाई करने का टाइम नहीं है, तो इस तरीके से आप चाक फोल्ड कर दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी टाइम लगेगा आपका प्रेस लगाने में ही लगेगा, ठीक है। ये धुलने के बाद भी कैसा भी नहीं होगा, जैसा ही ये चिपकाएंगे वैसा ही दोस्तों आप इसका रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको प्रेस भी थोड़ा हल्की नॉर्मल रखनी है, जो हमारी
चिपक जाए टेप लेकिन हमारा कपड़ा ना जले। इस तरीके से दोस्तों हम सीधी तरफ भी इसे प्रेस लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक चाक फोल्ड कर दिया। जैसे हम दिखाते हैं ये एकदम बराबर से ही हमारा फोल्ड हुआ है। अगर दोस्तों आप बराबर से रखेंगे तो आपका कपड़ा एकदम बराबर से ही फोल्ड होगा। देखो खींचने के बाद भी ये नहीं निकलेगा, ठीक है, धुलने के बाद भी नहीं निकलेगा। इस तरीके से आपका बराबर से ही कपड़ा फोल्ड हो जाएगा अगर आप बराबर से रखेंगे। कहीं कहीं पर दोस्तों मेरा थोड़ा सा कपड़ा अंदर हो गया है तो दोस्तों हमारा हल्का सा कपड़ा दिख रहा है, लेकिन आप बराबर से रखेंगे, जैसे इधर हमारा बराबर से है तो हमारा कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है, एकदम बराबर से ही हमारा चिपक गया है। ये दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब दूसरा तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक तरफ हमने लगा लिया, अब दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें घेरा फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से सबसे पहले दूसरी ट्रिक है दोस्तों ये, सबसे पहले हम घेरा फोल्ड करेंगे, उसके बाद दोस्तों पहले घेरे में इस तरीके से रखते हुए हम चिपका लेंगे इस टेप को। ठीक है, फिनिशिंग से जितना भी आपको जरूरत हो उतना ही इस तरीके से कपड़े के बराबर से रखते हुए आपको घेरे पे इस तरीके से रखते हुए आपको प्रेस लगानी है। ठीक है, फिनिशिंग से करते हुए एक बराबर मार्जिन के बराबर से ही आपको रखते जाना है और इसमें लगा लेंगे प्रेस इस तरीके से। ठीक है, फिनिशिंग से करते हुए आपको प्रेस लगानी है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सिलाई से रिलेटेड और भी वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सीधी तरफ ही इस तरीके से फिनिशिंग से आपको प्रेस लगानी है। ये दोस्तों सबसे पहले मैंने दोस्तों इसमें घेरे में चिपकाया, देखो एकदम बराबर से ही फोल्ड हुआ है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको चिपकाने से क्या होगा, जो हमारे चाक की जो नोक बनती है यानी कि नीचे की तरफ दोस्तों फिनिशिंग बनती है हमारी, चाक में कोना बनता है जो, उस तरफ दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले अगर आप घेरे में चिपकाएंगे तो। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये चिपका लिया फिनिशिंग से। ठीक है, अब दोनों हमें एक जैसे आपको देखो फिनिशिंग से आए, देखो इसमें भी हमारा एकदम फिनिशिंग से है, ये भी दोस्तों हमारे दूसरी ट्रिक भी एकदम फिनिशिंग से है। ठीक है, दूसरी ट्रिक जो मैंने सिखाई है उसमें दोस्तों आपको आसानी होगी जो हमारे चाक में नीचे कोना बनता है उसे बनाने में। ठीक है, दूसरी ट्रिक में इस तरीके से दोस्तों हमारे ये फिनिशिंग से प्रेस लगा लेंगे तो आपका एकदम फिनिशिंग से ही बिना तुरपाई के चाक फोल्ड हो जाएंगे सूट के। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये दोस्तों हमारा जब भी अर्जेंट काम होता है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये टेप भी दोस्तों नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां आप मशीन का सामान लेने जाएंगे वहां आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा वाइट कपड़ा था तो उस पर अच्छे से नहीं दिख रहा था तो मैंने अलग कलर का कपड़ा लिया है और उस पर दोस्तों मैं आपको चिपकाऊंगा। जैसे इस तरीके से हमने टेप रख लिया और कपड़े के जो हमारा फोल्ड करा था ना मार्जिन उसी के बराबर से ही रखते हुए आपको चिपकाना है। ठीक है, हमारा वाइट था, वाइट टेप था तो इसलिए दोस्तों हमारा उसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पर आपको चिपका के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद बराबर से आपको चिपका देना है एकदम फिनिशिंग से। अगर आप बराबर से चिपकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छे से कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। जैसे हमने चिपका दिया, सीधी तरफ भी आपको प्रेस लगानी है फिनिशिंग से। अब आपको दिखाते हैं, जैसे ही हमारा बराबर से ही हमने टेप रखा था तो एकदम बराबर से ही हमारा चिपक गया है, एकदम कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं निकल रहा है। देखो खींचने से भी दोस्तों हमारा ये टेप नहीं खींच रहा है, एकदम आपका फिनिशिंग से चाक फोल्ड हो जाएगा और घेरा भी फोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।